गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड हाउ वॉज योर हॉलीडेज? कैसे रहे आपके समर वेकेशंस? गुड, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर क्लास। ओके, एक्साइटेड? वेरी गुड। नाउ स्टार्ट चैप्टर 2, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, पेज नंबर 15। ओपन योर बुक चिल्ड्रन। Very good. Now I explore. No, so first of all you tell me कि आपको यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही है उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है बेटा? आपको इसमें कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, कुछ दिख रहा है ना? क्या क्या है उसमें? फ्रिज और टीवी, सीपीयू, प्रेस, कीबोर्ड, इलेक्ट्रिक केटल, मॉनिटर, टोस्टर एंड माउस। अब यहाँ पे ये सारी पिक्चर्स आपको दिखाई दी ना। अब इन पिक्चर्स में अब आप मुझको आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ओके, कर लोगे ना? वेरी गुड। अब आपको इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं ना बेटा, उनको आपको इसमें सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल करना है। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। ओके, नाउ टेल मी कि आपको इस पेज में क्या क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पे सबसे ऊपर जो पिक्चर है वो क्या है? एक हाउस। एंड सेकेंड पिक्चर इज कंप्यूटर। अब हाउस में आप मुझे बताइए, हाउस के जो एक आपका घर होता है, हाउस होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? आपने देखे हैं घर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, होते हैं ना? क्या क्या होते हैं बताइए। गुड, डोर, विंडो, फ्लोर और स्टेयर्स, वॉल, ये सारी चीज़ें हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के रूप में होती हैं ना, तभी तो इनको कंप्लीट करके एक घर बनता है, एक हाउस बनता है। अगर आपके घर में विंडो नहीं होगी या डोर नहीं होगा तो आपका हाउस कंप्लीट होगा? नहीं होगा। इसके बिना आप हाउस को मींस हाउस इसके बिना अकेले मतलब रह सकता है? मतलब बिना डोर के आप घर में रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये मिल करके एक क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, एक हाउस बनाते हैं। ओके, तो सिमिलरली एक कंप्यूटर है डिफरेंट पार्ट्स, उसी तरीके से बिल्कुल जैसे घर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और मिल करके एक हाउस बनता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको मिलके पूरा कंप्यूटर बनता है। अब कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? लुक एट द सेकेंड पिक्चर। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, दीज आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये सारे जो हैं वो क्या हैं? एक कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ओके, सीपीयू के बिना मॉनिटर वर्क नहीं कर सकता। अगर मॉनिटर है आपके पास और सीपीयू नहीं है तो आप बिना सीपीयू के मॉनिटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कीबोर्ड और माउस नहीं है तो उसके बिना आप मॉनिटर का यूज़ नहीं कर सकते, राइट? तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनके बिना कोई एक सिंगल चीज़ भी वर्क नहीं कर सकती। ओके, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। नाउ डू यू नो द यूज ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर? क्या आप जानते हो हर एक पार्ट को कंप्यूटर के? जानते हो ना? वेरी नाइस। लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट देम। अब हम नीचे जो एक्टिविटी दी है उसको करेंगे इसके बारे में और भी जानने के लिए। नाउ एक्साइटेड? वेरी गुड। नाउ आई राइट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा कि यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको वो वर्ड लिखने हैं जिनका इससे रिलेटेड यूज़ है, मीन्स इज यूज टू सी थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आपको वो आंसर नंबर 1 में लिखना है। नंबर 2, कंटेंस a lot of keys to give instructions to a computer. कंप्यूटर में जो हमारे बहुत सारी जिसमें कीज होती हैं और वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है वो क्या होता है, उसका नेम आपको सेकेंड में लिखना है। नंबर 3,
इज यूज टू पॉइंट एट एंड क्लिक ऑन द आइटम्स ऑन अ कंप्यूटर। अब आपको कंप्यूटर में क्लिक करने के लिए और किसी आइटम को पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किस पार्ट का यूज़ करते हैं, उसका नेम आपको थर्ड में लिखना है। इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इट अंडरस्टैंड्स एंड प्रोसेस द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, पता है आपको? पता है ना, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। वो आपके कंप्यूटर का ब्रेन है, वो कंप्यूटर को समझता है, प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है। राइट, नाउ आई रीड, अब यू रीड विद मी। अब आपको मेरे साथ साथ रीड करना है। ओके, मॉनिटर, द मॉनिटर इज द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर, इट डिस्प्लेज द वर्क डन। मॉनिटर जो होता है वो एक स्क्रीन की तरह होता है और वो जो आपका काम डन हो जाता है उसको शो करता है, देखने के लिए हम उसको मॉनिटर का यूज़ करते हैं। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, ये किसकी तरह दिखता है, एक बिल्कुल टीवी की तरह। यू कैन सी टेक्स्ट एंड पिक्चर ऑन द मॉनिटर, आप मॉनिटर के अंदर क्या क्या देख सकते हैं, टेक्स्ट देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं। ओके, सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको इसकी फुल फॉर्म भी लर्न करनी है। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू, इट हेल्प्स द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क, ये कंप्यूटर को सारे जो इसके टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग, इट हैज़ वेरियस बटन्स कॉल्ड कीज। कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। इट हैज़ वेरियस बटन्स, इसके अंदर बहुत सारी बटन्स होती हैं, देखिए ना आपने लैब में, कंप्यूटर लैब में देखिए ना। राइट, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कीज, क्या बोलते हैं, कीज। ओके, और एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, 104, ओके, 104 कीज होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। राइट, माउस, ए माउस इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड ओपनिंग वेरियस आइटम्स ऑन द स्क्रीन, इट हैज़ टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। अब हमारे माउस का हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए और किस जो भी मॉनिटर में आइटम्स आपको शो होते हैं ना, उन डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को ओपन करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। और माउस में कितनी बटन्स होती हैं, टू बटन्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट एंड, और सेंटर में क्या होता है, स्क्रॉल व्हील। ओके, तो आपको ये सारे वर्क कंप्लीट करके मैम को पिक्चर सेंड करनी है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।